जिला पंचायत मंडला के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हुए। मंडला जिला पंचायत में कुल 26 वार्ड हैं, जिसमें भाजपा के संजय कुशराम ने 9 मत हासिल कर अध्यक्ष का चुनाव जीता, तो वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए गोंडवाना के कमलेश तेकाम को भी 9 मत प्राप्त हुए। भाजपा और गोंडवाना के गठबंधन से जिला पंचायत की सरकार बनी है। भाजपा और गोंडवाना पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पहली बार गोंडवाना और भाजपा एक साथ नजर आए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इनके गठबंधन से जिले के विकास कार्यों को गति मिलेगी। जो जो वोटिंग किए हैं और मेहनत किए हैं और सारे गोंडवाना के भी कार्यकर्ता हैं, जिससे बंधन हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पे आप निर्वाचित हुए, क्या रिएक्शन पहला रिएक्शन? देखिए, जिस तरह से आज शायद जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर मैं इस जिले के सबसे कम उम्र का प्रत्याशी के रूप में यहाँ चयनित हुआ हूँ, तो इससे ये आप सबको इसके मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि युवाओं के बीच में काम शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देते हुए मैं काम करना चाहता हूँ, साथ ही साथ खेल कूद के क्षेत्र में ऐसा काम ताकि युवाओं को उन्हें उचित मंच मिल सके, इसकी लड़ाई रहेगी। इसके साथ साथ सामाजिक व्यवस्थाओं को के बीच में काम करने का भी हम लोग लगातार काम करेंगे, और जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं जो हमेशा जो दुरुस्त नहीं हो पाई उनके ऊपर उचित काम करने का हमारा एक प्रयास रहेगा लगातार। किसको श्रेय देते हैं इस जीत का? इस जीत का श्रेय समस्त वो कार्यकर्ता जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ खड़े थे, पार्टी के वे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने हमें मार्गदर्शित करते हुए इस जीत को हासिल करने में हमें सहयोग प्रदान किया, ऐसे सभी कार्यकर्ता, ऐसे सभी सहयोगी, सब परिवार, हमारे रिश्तेदार नातेदारों के सबको एक साथ मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं। भारत सरकार के राज्य मंत्री के दामाद हैं आप, क्या माना जाए कि उनकी राजनीतिक विरासत को आप आगे बढ़ाएंगे? मैं वो पारिवारिक संबंध है, और जो जैसा कि विषय आप बोल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ और इसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते भाजपा संगठन को खड़ा करना ऐसा मेरा रहेगा। वो मेरा जो पारिवारिक संबंध है वो अपनी जगह है, घर का संबंध है उसको हम नहीं करेंगे। संगठन के विषय पे बात होगी तो हम संगठन को लेकर आगे बढ़ेंगे, और एक एक कार्यकर्ताओं को तवज्जो देना और उन्हें महत्व देते हुए विषय को उनके समस्याओं को हम सुनेंगे। गोंडवाना के सहयोग से आप जीते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या जिला पंचायत में होंगे आपकी, नहीं होंगे? देखिए, आइडल जो आप कह रहे हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ट्राइबल बेल्ट है और बहुत ट्राइबल्स का एक बहुमत है, तो कहीं ना कहीं इसमें ट्राइबल्स के लिए जो बहुत सी चीज़ें अभी छूट रही थी उस पर हम दोनों मिलकर साथ में काम करें। दोस्तों, न्यूज चेक लाइव के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।